हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबी इज गार्डनिंग में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और आज मैं गेंथक प्लांट की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और मैं कैसी मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इसी को मैं शेयर करने जा रही हूँ। और देखिएगा आपको अच्छा लगे तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से मिट्टी तैयार की और किसमें मैंने अपने प्लांट्स लगाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टैंड है जिसमें 15 प्लांट आ जाते हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था नीचे से ऊपर तक। अब ये सब इसमें से हमें निकालना है और इसी में हम गेंथक्स लगाने जा रहे हैं। तो इस सब को हटा के ये पॉटुला का हम हटा देंगे। ये देखिए कटिंग से मैंने लगाए थे, ये ग्रो हो गए हैं। और ये मैंने ऐसे ही जो मैंने ग्रो बैग में कटिंग्स लगाई थी वो इतनी अच्छी देखिए ग्रो हो गई हैं। तो वही मैंने अभी मैंने ये खाली खाली था तो मैंने रख दिया था दीपावली के समय में। तो अब इनको हम ऐसे हटा देंगे और ये जो जितनी ये पौचलाका है ये भी हटा देंगे और ऊपर हम डालाएंगे। देखिए मैंने इसमें से पौचलाका हटा दिया और ये तो हमारा पेंडानस है तो इसको नहीं हटाएंगे, इसको इसी में ही छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारी पौचलाका अभी भी बहुत अच्छी है, इसको हम कहीं पे शिफ्ट कर देंगे, छत पे ही शिफ्ट करेंगे, छत पे अच्छे से इसमें धूप लगती रहेगी। और ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं ऐसी, ये सारी कट कर देंगे, जो नीचे से छोटी छोटी हैं वही रखेंगे और गोबर की खाद दे देंगे जिससे कि अच्छी खासी हमारी चलती रहेगी और नए नए किले आते रहेंगे। अब हम इसमें क्या किया है ये देखिए, मिट्टी तो पूरी फुल है ना। और ये मैंने इतना बड़ा मेरा देखिए टब है, आधा टब मैंने गोबर की खाद दी क्योंकि ये हमारे विंटर्स के ही प्लांट हैं तो इनमें हमें खाद अच्छे से दे देनी है। जब हम अच्छे से खाद देंगे, अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो हमारी फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होती रहेगी और हमें बार बार खाद देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मिट्टी सब मैंने अच्छे से वो कर ली है, खुदाई जैसे जिसे बोलते हैं गुलाई। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ये आधा गोबर इसी में आधी मिट्टी डालेंगे, बाकी मिट्टी इसमें डाल देंगे बोरी में। और हम ये थोड़ी सी ये हमारी मिट्टी है रेत वाली है ये भी इसमें डाल लेंगे। फिर हम इसमें क्या क्या डालते हैं वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल दी है। और अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आप इसमें बालू भी ऐड करिए, नदी वाली जो बिल्कुल महीन सी बालू होती जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है जब हम प्लास्टर करवाते हैं उसमें, तो वो आप डालिए जिससे कि आपकी मिट्टी ऐसे भुरभुरी हो कि एकदम से। इसमें क्या होता है हमारे प्लांट्स की रूट्स बहुत महीन होती हैं छोटी छोटी, वो अच्छे से फैलती हैं, फिर उनको जब हमारी रूट्स हेल्दी होंगी ना तो हमारा प्लांट्स भी हेल्दी होगा इसलिए। और ये आप आधी मिट्टी आधा गोबर ले लीजिए, अगर मिट्टी में रेत है तो ठीक है, वरना आप बालू और ये कोकोपीट मिलाइए तो मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए क्योंकि विंटर्स के प्लांट्स कुछ महीनों के ही होते हैं जो अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फरवरी तक बहुत है तो मार्च तक फिर नहीं। अब हम इसमें जो है फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि विंटर्स में फंगस लगने का बहुत ही डर रहता है। तो ये देखिए हमारा एक चम्मच है, ये आपके दो चम्मच के बराबर है। अब हमने ये फंगीसाइड डाल दिया है, उसके बाद हम एक सम सॉल्ट भी दे देंगे क्योंकि प्लांट्स ताकि हमारा जब हम उसको रिपोल्ट करते हैं तो वो स्ट्रेस में ना जाए, दो चम्मच हम ये इसमें
एसम सॉल्ट हमने दिया हुआ है, और फिर हमने ये फुल न्यूट्रिशियल सुपर मिक्स खाद जो हमने तैयार की थी इसमें टोटल सभी कुछ है, तो ये हम डाल देंगे इसमें। आप समझिए नीम खली, बोन मील, जिंक और ये सीवीड और ऑर्गेनिक पोटास सभी कुछ है इसमें, तो हम और ये डाल रहे हैं 4 चम्मच। ये हमने खाद बना के रख ली तो मुझे बहुत ही आराम हो गई है, अब हमें बार बार हर एक डिब्बा लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है, और आसानी से एक डिब्बा लाए और सारी खाद उसी में हो गई, इसलिए हमें अब जो है बहुत ही आराम फील हो रहा है। इसीलिए मैंने ये काम किया कि विंटर्स में हमें आसानी रहेगी। अब ये देखिए मैं इतनी सी मैं DAP भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि विंटर्स फ्लावरिंग प्लांट में DAP डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मिट्टी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे कुछ दिनों ही फ्लावरिंग कुछ महीनों करते हैं, परमानेंट तो होते नहीं है, किसी किसी के यहाँ ही किसी किसी जगह पे ही ये हमेशा के लिए टिकते हैं, क्योंकि इनके मनपसंद वेदर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। तो हमें अगर अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो मैं भी ये ना फर्स्ट टाइम ही डाल रही हूँ, डालती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इस बार फर्स्ट टाइम मैं डाल रही हूँ, मैं देखूँगी इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि वैसे अच्छा ही होता है, और वो जो हमारा सुपर मिक्स है उसमें ऑर्गेनिक NPK भी है, ऐसे जैसे कि इसमें होता है उसी तरह से उसमें भी सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरी ये सॉइल मीडिया बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसमें फिल करके और मैं प्लांट डेंथस वाले लगा दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब हम मैं प्लांट लेके आती हूँ, ये देखिए मैंने ऐसे निकाला है, ये पूरा ऐसे निकाल लेना, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी देखिए भुरभुरी ही होती है, ये चिकनी मिट्टी में होते ही नहीं है, तो इनको बस ऐसे ही हमें सिंपल रख ले देना है, और हमें ये देखिए ऐसे, और हमें साइड से मिट्टी डाल देनी, बस इतना ध्यान रखना कि ऊपर का भाग अलग ना होने पाए मिट्टी से, और ये बस मिट्टी हमें यहीं तक भरनी है इस तरह से साइड से इसे, और प्लांट को हमें मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है इस तरह से बस, ठीक है, ताकि ये चीज़ अगर हमारी अंदर को दब जाएगी ना तो इसमें पानी रुक जाएगा तो फंगस लगने का डर रहेगा, और जब भी हम ये थैली से प्लांट निकालें तो हल्का सा ऐसे ऐसे कर लेंगे, इससे क्या होगा आसानी से हमारा प्लांट जो है बाहर आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये देखिए मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, इस वजह से ये आसानी से बाहर आ जाएगा, और इसको हम ऐसे रख देंगे, और इनकी रूट्स वगैरह को बिल्कुल भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पतली पतली रूट्स होती हैं, टूट जाएंगी, फिर जो है हो सकता है प्लांट आपका अच्छे से ग्रो ना करे, इसलिए इसको ऐसे फिल कर देंगे इस मिट्टी से। और अब हमें इसमें ठोस खाद विंटर्स के प्लांट में देने की ज़रूरत नहीं है, विंटर्स की लिक्विड खाद है, अब बस वही हम देंगे, और देंगे तो आपके साथ में शेयर भी करेंगे, और पॉट को ऐसे ज़रूर हिला दें ताकि अंदर कहीं भी गैप हो, एयर सर्कुलेशन अंदर जो एयर जैसे एयर बबल्स होते हैं ना वो हो गए होंगे, तो वो सब ठीक हो जाएंगे, इस तरह से मिट्टी भी अंदर सेट हो जाती है, तो थोड़ा सा टैप टैप हम अपने प्लांटर को कर देंगे।
और नीचे जहाँ पे ये लीव्स हैं हमारी, वहाँ से मिट्टी को हम हटा देंगे जिससे कि वो लीव्स ना बेकार हो। और जैसे बहुत ज़्यादा जो लंबी लंबी हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि नीचे से इनमें धूप और हवा लगती रहे, फंगस का कोई डर ना रहे। इस तरह से ये देखिए मिट्टी में टच हो रही है ना, उनको हम हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग गए हैं, उसको तो मैंने हटाया नहीं है, लेकिन साइड में लगा देंगे क्योंकि वो तो सेंटर में है, देखेंगे साइड में लगा देंगे। और दोस्तों अगर पसंद आया, और इसमें अच्छे से हम पानी देंगे ताकि पूरा नीचे तक पानी जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत